चलिए दोस्तों, पहले तो आप लोग इंटर हो जाइए क्रोम के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम में इंटर हो जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बस आपको सिंपल एक सेटिंग होती है, ये जैसे कि आपको 3 लाइट दिख रही है, 3 डॉट, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन, तो सेटिंग में इंटर हो जाइए। और सेटिंग में जैसे आप लोग इंटर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है, तो चलिए पासवर्ड के ऊपर हमें क्लिक करना है। और ये आप लोग देख रहे हैं सेव पासवर्ड, ये तो मेरा ऑन है, मतलब ये इस तरह से ऑफ होगा तो आपको बस ये ऑन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं अभी कुछ फेसबुक में मेरी आईडी में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ फेसबुक आईडी मेरी लॉग आउट करके रख दिया हूँ, ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ सके। तो सिंपल दोस्तों मैं यहाँ पर मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा पासवर्ड है, तो ये मैं इंटर कर लेता हूँ पहले, तो ये वाला मैं इंटर कर लेता हूँ इसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरा इंटर कर दिया है, फेसबुक अकाउंट मैंने ओपन कर दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों मेरा अकाउंट तो ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरा पासवर्ड अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कि आप लोग सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी, और यहाँ पर प्राइवेसी एंड शॉर्टकट, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ पासवर्ड आपका यहाँ पर शो नहीं करेगा, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे कि आपको आप कभी भूल जाते हैं, कभी आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी ये पासवर्ड मैंने जहाँ पर आपको बताया था कि क्रोम में आपको ये सेटिंग ऑन करके रखना है सेव वाली, तो उसमें हम लोग चलते हैं एक बार फिर से। तो अभी तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं है, फिर से एक बार बैक आ जाइए या फिर न्यू टैब ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पासवर्ड बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी साइट का हो, जैसे आपका कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का, कोई फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी साइट हो, तो जैसे आप लोग आराम से निकाल सकते हो, या फिर आपका जीमेल आईडी का भी हो, कोई भी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आप बता देता हूँ कि किस तरह से ये हमारा पासवर्ड सेव हो चुका है। तो चलिए मैं सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि फिर से इंटर हो जाऊँगा इसमें। यहाँ पर फिर से हम लोग पासवर्ड के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पासवर्ड के अंदर एंटर होने के बाद यहाँ पर मेरे सब जितने भी जीमेल आईडी या फिर फेसबुक आईडी जितने भी है, तो यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो चलिए ये देखिए मेरा facebook.com यहाँ पर लिखा है, ये मेरे ईमेल आईडी में ये फेसबुक आईडी बना हुआ था। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग जब इस आग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। तो मतलब ये वाला मेरा पासवर्ड था। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, आप लोग इस तरह से अपना पासवर्ड जो भी अकाउंट का हो, फेसबुक हो या फिर ईमेल आईडी का हो, कोई भी, जैसे कि ये वाला मेरा ईमेल आईडी है, कि ये वाला मेरा ईमेल आईडी है, तो इसे ओपन कर लेता हूँ तो नीचे पासवर्ड शो हो जाएगा जैसे ही मैं इस आग के ऊपर क्लिक करूँगा। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, आप लोग इजीली ये कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। चलिए दोस्तों, बाय।